हाँ बोलो इतना कर तो नहीं कर अब गया हुआ है सर। इसमें अगर वो नहीं तो नहीं बोल रहा तो मैं नहीं रुकूंगा। आप कहीं पर भी जा सकते हैं, अगर होल नहीं है तो यहाँ पर मिलेगा, नहीं तो मुश्किल है सब। देखो तकरीबन 2.5 साल का ये सांप हो सकता है। हल्का सा इसने मेंढक भी खाया हुआ है। मैंने जब इसको पकड़ा तो ये थोड़ा सा ठंडा लगा, जैसे कि ठंडी खून का होने के कारण, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा मिट्टी है, क्या है। हर बात मैं यही बोल रहा हूँ कि गर्मी के दिन होने के कारण सांप खाने के साथ उसको ठंडक भी बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए जहाँ पर ठंडक है वहाँ पर सांप आ जाते हैं, उसके साथ में उसको ठंडक भी मिलती है और खाने को मेंढक मिलते हैं। तो ये सब कारण होते हैं, इसलिए बगीचे में कंस्ट्रक्शन की जगह पर सांप आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और देखिए मैंने यहाँ पर आया और होल था, ऐसा होल रहेगा ऐसा मुझे डाउट लगा। और हर वक्त सांप पकड़ने वालों को डाउट रखना पड़ता है कि होल में वगैरह सांप है तो मिलने की संभावना कम हो जाती है। काफ़ी देर इन्होंने इंतजार किया क्योंकि हम दूसरे कॉल पर थे, भगत सिंह मेरे साथ में है। आपके आस पड़ोस में इस तरह के हादसे हो सकते हैं, अगर आप गलती करेंगे तो। हम सिर्फ देखने के बाद डरते हैं। हर मैंने आखिर तक उधर सामान निकाला, आप भी ऐसे ही निकलते हैं। आप अभी सिर्फ हमें देखते हो वीडियो, ये सोचते हैं कि हाँ उधर सांप है। आप अपना घर का काम करते हुए ऐसा सोच के काम नहीं करते, और ये करना ज़रूरी है। और यही डर होता है, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लेके काम करते हैं, मतलब आप अपने जगह पर इंस्ट्रूमेंट लेके काम नहीं करते, इसलिए आम लोगों को सांप काटने की संभावना बढ़ जाती है। इसने कुछ खाया भी है, आसानी के साथ मिला, और इन्होंने जिन्होंने इंतज़ार किया उनका भी शुक्रिया, क्योंकि 2-3 जगह के बीच में ये सब प्लॉट था। और इस तरह से सांप अपने आस पड़ोस में आ सकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सांपों को बचाने का और डर दूर करने का सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा, तो इसी तरह से सफ़र जारी रहेगा। यहाँ पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन भी दबाइए। धन्यवाद।